नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बंधुओं, जैसा कि मैंने कल का एक वीडियो देखा था, गंगाराम पासवान जी ने डाला है, मैं उसमें अधिकारी महोदय को सुन रहा था, तो बातें बहुत अच्छी अच्छी की थी उन्होंने और बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि 3 साल पहले इन सभी अधिकारियों को क्यों नहीं दिखता था कि ग्राम प्रहरी की कुछ औकात है? क्योंकि वो जो कह रहे हैं ना कि ग्राम प्रहरियों की बहुत बड़ी अहमियत है, ग्राम प्रहरी यदि चाह ले तो अपने क्षेत्र में बिना ग्राम प्रहरी के, बिना चौकीदार के, पुलिस भी किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकती। ये पावर होता है ग्राम प्रहरी के अंदर, लेकिन ग्राम प्रहरी पावर अपने आप को नहीं समझता। वो समझता है मैं गुलाम हूं, जैसे अंग्रेजों के जमाने में जूठे बर्तन धुलता था, वैसे आज भी ग्राम प्रहरी धुल रहा है। जिस दिन ग्राम प्रहरी अपने पावर को समझेगा, उस दिन समझ लीजिए कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। आपके अंदर भी वो एक पावर है, क्योंकि आप उस गांव के एक मुखिया हैं, कानून के एक रक्षक हैं, और आज वही अहमियत हर अधिकारी को दिख रही है जिन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही कि ग्राम प्रहरी एक वो कड़ी है जिसकी वजह से गांव में पत्ता भी नहीं हिल सकता जिसके बिना पूछे। लेकिन ग्राम प्रहरी पत्ता तब नहीं हिल सकता है जब ग्राम प्रहरी उस लायक हो। लेकिन हमारे यहाँ के ग्राम प्रहरी कुछ ऐसे हैं, वो उनको सिर्फ थाली चाटने में आनंद आता है। तो कहने का तात्पर्य मित्रों ये है कि 3 साल पहले इस तरह की भाषणबाजी कोई नहीं करता था, लेकिन आज मुझे गर्व है कि आपके आशीर्वाद से मैंने इतना हल्ला मचाया है, इतना हल्ला मचाया है कि आपके वीडियो ही हजारों की तादाद में हमारे चैनल पे होंगे। कि आज जगह जगह हर जनपद में अधिकारियों को यह पता चल चुका है कि ग्राम प्रहरी की औकात क्या है, ग्राम प्रहरी क्या कर सकता है। यही तो मुझे चाहिए। और देख लेना, आज मैं फिर कह रहा हूं, वेतन बढ़ाना एक अलग मैटर है, वो सरकार का काम है, लेकिन सम्मान दिलाने की अगर बात आएगी तो वाई साहब किंग 24 मीडिया आपको सम्मान दिला के मानेगा। आपके जो मन में तमन्नाएं हैं उनको पूरा कराने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में आपका सिर्फ अच्छा ही होगा। बिल्कुल परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन में यह सवाल आ गया कि यार बहुत दिन से धरने कर लिए मैंने, बैठो शांत, तो यह आपकी बहुत गंदी मानसिकता है। याद रखना कि जिद करने से ही आजादी मिलती है। यदि हार मानोगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर जिद पर अड़े रहे तो एक दिन वो आएगा कि यही सरकार आपको वेतन बढ़ा के देगी, और नहीं देगी तो उसका जवाब 2027 में आप लोग देंगे। देंगे या नहीं देंगे, बस इस बात का याद रखिए, मेरे साथ जो जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही करूंगा। आपके साथ सरकार 2027 से पहले अच्छा कर रही है, तो आप भी अच्छा करिए। नहीं कर रही है तो आप अपना जवाब उसी तरह से दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।